इसराइल ने राफा में एंट्री तो कर ली है, लेकिन उसकी ये राह अंगारों से भरी हुई है, क्योंकि हमास की अल कासिम ब्रिगेड और अल कुज ब्रिगेड दोनों ने मिलकर इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे दहला कर रखा हुआ है। और इजरायली सेना के अधिकारियों ने खुद माना है कि उसके जवान 7 महीने से चल रही जंग के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह से थके हुए हैं। तो अब ये सवाल उठना लाजमी है कि गाजा से हमास का पूरी तरह से सफाया करने का दम भरने वाले नेतन्याहू क्या इस थकी हुई सेना के दम पर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि रफा से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इन वीडियोस में हमास के लड़ाके इजरायली सेना के जवानों और उनके वाहनों समेत IDF के सबसे मजबूत मेरकावा टैंकों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो अलकुज ने जारी किया है, जिसमें शिकार खुद ही शिकार बन गया। दरअसल इजरायली सेना का एक सैनिक एक बिल्डिंग से स्नाइपर लिए हमास के लड़ाकों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी हमास का स्नाइपर उसे निशाने पर लेता है और उस पर अपनी स्नाइपर राइफल से गोली दाग देता है, जो ठीक निशाने पर जाकर लगती है। इसके बाद गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित जबालिया कैंप के पूर्व में अल कासिम ने एक ऑपरेशन को अंजाम देने का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक लड़ाका एक मेरकावा टैंक को निशाने पर लेता है और अलियासीन 105 गोले से उस पर फायर कर देता है। उसके बाद एक और लड़ाका सुरंग से बाहर निकलकर एक और मेरकावा टैंक पर गोला दाग देता है, जो ठीक निशाने पर जाकर लगता है। सुरंग से बाहर निकलकर एक और लड़ाका मशीन गन से इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। इसके बाद कुछ सैनिकों को टारगेट पर लेता है और उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगती हैं। अल कासिम ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें इमारतों के बीच से गुजर रहे एक इजरायली टैंक को टारगेट पर लिया जाता है और फिर हमास का लड़ाका उस पर अलियासीन 105 गोले से हमला कर देता है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है। उसके बाद IDF का एक बुलडोजर एक बिल्डिंग के पास खड़ा होता है, जिस पर हमला कर उसे आग के गोले में तब्दील कर दिया जाता है। फिर एक टूटी हुई खिड़की में IDF के सैनिकों को निशाना बनाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। इसके बाद गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में स्थित जबालिया कैंप के तकदम एक्सिस में हमास ने एक स्नाइपर ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसका हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में दूर एक बिल्डिंग की छत पर 3 इजरायली सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक को हमास का लड़ाका टारगेट पर लेता है और फिर उस पर फायर कर देता है, जिसके बाद IDF का वो सैनिक वहीं पर गिर पड़ता है। Thank you.